यूपी में कैराना लोकसभा सीट और बिजनौर किन्नूर पूर्व विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। दोनों सीटों पर उपचुनाव 28 मई को होने वाले हैं। इस चुनाव के प्रचार में विवादित बयान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी के शाहजहांपुर के नेता कैराना विधानसभा के प्रभारी मनोज कश्यप ने कहा कि अगर कैराना में बीजेपी चुनाव हारी तो पाकिस्तान में दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कैराना में भारतीय जनता पार्टी हारी तो हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू होंगे। उन्होंने कहा कि दिवंगत सांसद हुकुम सिंह की चिंगारी नष्ट नहीं होने दी जाएगी। वह हुकुम सिंह जिन्होंने कैराना पलायन की बात को अमेरिका तक पहुंचाया था, अब चुनाव में उनकी बेटी को जिताकर संसद में भेजना है। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है इस कैराना लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को। यदि यहाँ पर गलती से भी अगर विपक्षी जीत गए तो पाकिस्तान में दिवाली मनने वाली है, जम्मू कश्मीर के ऑक्यूपाइड में दिवाली मनने वाली है। बीजेपी के मंच पर मोदी सरकार के पूर्व मिनिस्टर संजीव बालियान समेत शामली से बीजेपी विधायक तेजेंद्र निर्वाल भी मौजूद थे। तेजेंद्र ने तो इस चुनाव को आतंकियों और देशद्रोहियों से जोड़ दिया। अगर सब चीज देश की उन्नति चाहते हो तो सीधे सीधे खुलकर कहो कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और अगर आप इसके पक्ष में नहीं है तो आप ये समझ लेना कि फिर आपकी भूमिका उन आतंकवादियों के साथ, उन देशद्रोह की बात करने वालों के साथ, उन बदमाशों का समर्थन करने वालों के साथ, जिन्ना की पूजा करने वालों के साथ, फिर आपकी भूमिका उस तरफ है। इसलिए अपनी भूमिका हर मतदाता तय कर ले। आपने जो उम्मीदवार खड़ा किया आपकी इच्छा है, लेकिन इस उम्मीदवार के मुंह से एक बार ये बताइए, जब 2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुजफ्फरनगर और शामली से जुड़े हुए मुकदमे जो फर्जी मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस लेगी, तो इन्होंने सवाल खड़ा किया था। आज मैं जवाब चाहता हूं, ये उम्मीदवार ये बताए कि वो दंगों के मुकदमे वापस करवाना चाहती है या नहीं चाहती है। कैराना और नूरपुर दोनों ही सीटें बीजेपी के पास थी। कैराना से बीजेपी के हुकुम सिंह सांसद थे और नूरपुर से बीजेपी के लोकेंद्र सिंह विधायक थे। दोनों ही नेताओं के निधन से दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कैराना से बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी को टिकट दिया है तो सपा ने आरएलडी के लिए सीट छोड़ी है। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर में उसने सपा को सपोर्ट किया था, इसलिए इन दोनों सीटों पर भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी को उसका मूक सपोर्ट है। ऐसे में बीजेपी के लिए इन सीटों को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।